माफी को लेके राजस्थान के अंदर भी बड़े जन आंदोलन हुए और नागौर के अंदर 7 दिसंबर 16 को 5 लाख लोगों ने हुंकार भरी थी और उससे प्रेरणा लेकर मध्य प्रदेश के अंदर किसानों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया। वहां की सरकार ने किसानों को गोलियां चलाई, कई किसान शहीद हुए और कर्ज माफी के आंदोलन को पूरे देश के अंदर अध्यक्ष होकर हवा मिली और यूपी महाराष्ट्र और पंजाब के अंदर भी कई स्टेट ने कर्जा माफ किया लेकिन उसमें हर जगह कर्ज माफी के अंदर राइडर लगा दिया। कहीं 50,000 कर्जे की घोषणा हुई, कहीं 1 लाख रुपए कर्ज माफी की घोषणा हुई लेकिन अध्यक्ष महोदय किसानों को इसका सीधा फायदा किसी भी स्टेट के अंदर नहीं पहुंचा। इस बार जब हमने पूर्ववर्ती सरकार के टाइम हुंकार भरी राजस्थान के अंदर 5 बड़ी रैलियां करी, किसान आंदोलन हुए, तब पूर्ववर्ती सरकार ने दबाव के अंदर आके चुनाव के अंदर वोट लेने के हिसाब से 50,000 के कर्ज माफी की घोषणा करी थी लेकिन अध्यक्ष महोदय उस 50,000 के कर्ज माफी के अंदर अगर संपूर्ण 50,000 का कर्जा माफ करते तो 8,000 का रेवेन्यू राजस्थान की सरकार को अतिरिक्त किसानों के लिए देना पड़ता, अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता थी लेकिन 8,000 करोड़ के रेवेन्यू के बजाय इन्होंने आनंद फानंद के अंदर राइडर लगाए और 2,000 करोड़ रूपए भी 2,000 करोड़ रूपए किसानों के माफ हुए। उसके बाद चुनाव आ गए, अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुनावी रैलियों के अंदर आए और उन्होंने संपूर्ण कर्ज माफी की घोषणा करी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए, उन्होंने संपूर्ण कर्ज माफी की घोषणा करी और कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र के अंदर किसानों के कर्ज माफी की घोषणा करी। अध्यक्ष महोदय 2 लाख का कर्जा जैसे कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी 10 दिन के अंदर कर्ज माफी की बात थी और 2 लाख रूपए के कर्ज माफी की घोषणा भी कर दी लेकिन उसमें भी राइडर लगा दिए डिफॉल्टर का कर्जा माफ होगा इसका नहीं होगा। मैं अध्यक्ष महोदय आपका ध्यान सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि आज देश का किसान आजादी के 70 साल बाद स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं हुई, मंडी के अंदर उसका माल नहीं बिक रहा है, किसान आत्महत्याएं कर रहा है और आत्महत्याओं की दर राजस्थान नहीं पूरे देश के अंदर बढ़ रही है। पहले महाराष्ट्र उड़ीसा आत्महत्या के अंदर 1 नंबर पर थे लेकिन वो दिन दूर नहीं कि राजस्थान उस आंकड़े को पार करके 1 नंबर पर चला जाएगा। हमें देश के अंदरता के बारे में सोच रहे हैं अध्यक्ष महोदय, यहाँ कांग्रेस की सरकार है। मैं तो चाहूंगा कि संपूर्ण कर्ज माफी की बात कांग्रेस की सरकार राजस्थान के अंदर करे, 2 लाख का कर्जा अभी तुरंत माफ करे, उसमें राइडर हटाए और इस कर्जे के बाद संपूर्ण किसानों का कर्जा, मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि केसीसी से संपूर्ण कर्जा पूरा माफ करे। जब धरना सेठों का 3 लाख करोड़ का कर्जा दिल्ली की सरकारों ने पिछले 15 साल के अंदर माफ किया तो राजस्थान के अंदर तक भी संपूर्ण कर्जा माफ होना चाहिए। मैं तो चाहूंगा कि कल जैसे आपने कहा पक्ष विपक्ष मिलकर अगर राजस्थान के अंदर काम करे तो अध्यक्ष महोदय हम तो पक्ष विपक्ष मिल जाएगा तो इनके साथ ही हो जाएंगे। कांग्रेस पार्टी संपूर्ण कर्जे की यहाँ घोषणा करे, अगर यहाँ राज्य के पास इतनी आर्थिक व्यवस्था नहीं है, आर्थिक तंगी है तो दिल्ली के अंदर आपकी सरकार है और मेरे बाद आपका इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का, तो आप यहाँ से पूरा मसौदा तैयार करके मोदी जी के पास ले जाएं और देश से पूरे संपूर्ण कर्ज माफी की घोषणा प्रधानमंत्री से कराएं जिससे इस देश के किसान को संबल मिले। किसान आत्महत्याएं कर रहा है। अध्यक्ष महोदय विजय माल्या जैसा व्यक्ति 1,000 करोड़ रूपए लेके भाग गया, ललित मोदी भाग गया, वापिस नहीं आ रहा है, रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है लेकिन ऐसे लोगों को सरकार लाने में नाकामयाब है। अध्यक्ष महोदय मैं सरकार से मांग करूंगा, सदन के नेता भी यहाँ बैठे हैं, कि राजस्थान के किसानों को बचाना है। अध्यक्ष महोदय संपूर्ण कर्जा माफ किए बिना राजस्थान का किसान नहीं बच सकता। अध्यक्ष महोदय नई क्षेत्र बहुत कम है, सिंचाई कम इलाकों के अंदर होती है, ज्यादातर इलाके बरसात से खेती पर निर्भर करते हैं और बरसात से ज्यादा खेती होती है। अध्यक्ष महोदय माननीय एक प्रणाली वहाँ बहुत बड़ा कर्जा चाहे सरकारी बैंकों का और दूसरी बैंकों को कैसी थी लेके किसान अपना काम निकाल रहा है, अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, नरेगा में मजदूरी करके वो जयपुर और दिल्ली के अंदर अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है। अध्यक्ष महोदय मैं सरकार से मांग करूंगा कि किस तरह वित्तीय व्यवस्थाएं होती है वो सरकार तय करे, दिल्ली में ये लोग पैरवी करें, राजस्थान में आप पैरवी करें और राजस्थान के किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करने की घोषणा हो। अध्यक्ष महोदय इससे राजस्थान के किसान की जो कमर आजादी के 70 साल बाद टूटी थी, जो सपना हमारे उन स्वतंत्रता सेनानियों जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए शहादत दी थी, किसानों के लिए सपना सच्चा था, वो राजस्थान वो भारत हम सब देखना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय और आप
जैसे अध्यक्ष हैं विराजमान है, मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, नेतृत्व जी बैठा है, अब चुनाव का टाइम है, आपने 2 लाख की घोषणा करी तो घोषणा में तो आप भी पीछे नहीं रहे हो, कोई कोई करने वाले हो, लेकिन घोषणा को अमली जामा कैसे पहनाया जाए, देश के किसानों का कैसे कर्जा माफ हो, राजस्थान के किसानों का कैसे कर्जा माफ हो, इसको लेके पूरे देश के किसान आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। मैं फिर सरकार से निवेदन करूंगा कि किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी पे पुनः विचार करें और संपूर्ण राजस्थान के किसानों का कर्जा माफ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। गुलाब चंद जी कटारिया।